हेलो एवरीवन, जय माता दी। आज का जो टॉपिक है वो है हमारे क्रिसमस ट्री के ऊपर, जिसे हम एरोकेरिया प्लांट भी कहते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कितना ही हेल्दी है, आप प्लांट को देख सकते हैं, बहुत ही हेल्दी प्लांट है, जो कि ये 14 इंच के पॉट में लगा हुआ है। और इसकी आज मैं आपको पूरी केयर के ऊपर बताऊंगी, सॉइल के ऊपर बताऊंगी, कैसे इसको सॉइल पसंद है और कैसे ही ये प्लांट को हम अच्छे से हेल्दी रख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, प्लांट में नई नई ग्रोथ भी नज़र आ रही होगी आपको। ये सब न्यू ग्रोथ है जो कि बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। आपको कई बार ये देखने को मिलता होगा कि जो होता है, अगर हमारा प्लांट ऊपर से अच्छे से ग्रो कर रहा है तो नीचे से जो है वो ब्राउन होने लगता है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत नीचे से ऐसे गिरे हुए भी हैं ये ब्राउन, इनके जो पार्ट्स हैं ये देखिए, थोड़ा सा ही ऐसे गिरा हुआ है नीचे। वैसे तो पूरा ही प्लांट बहुत ही हेल्दी है। जैसे जैसे इसको ऊपर से ग्रोथ होती है तो ये नीचे से थोड़ा थोड़ा जो है ब्राउन होने लगता है। ये एक नेचुरल चीज़ है। सबसे पहले मैं इसकी सॉइल के ऊपर बताती हूँ आपको कैसी सॉइल इसके लिए बनानी चाहिए। एरोकेरिया जो प्लांट होता है उसके लिए सॉइल, जैसे कि मैं आपको सारे प्लांट्स की बताती हूँ, वैसे ही इस प्लांट को भी वैसे ही सॉइल पसंद होती है। आपको सबसे पहले 50% अपनी गार्डन सॉइल, 30% आप इसमें सैंड ऐड कर सकते हैं, 20% आपके पास जौन सी भी कंपोस्ट हो, गोबर की खाद या वर्मिंग कंपोस्ट जो आप उसे ऐड कर सकते हैं। 50% गार्डन सॉइल, 30% सैंड और 20% कंपोस्ट ऐड करने के बाद आपको इसमें फंगीसाइड और साथ में ही आपको नीम खली भी ऐड करनी चाहिए अपने प्लांट्स को सेव करने के लिए। कई बार ऐसे प्लांट में जो है फंगल का अटैक हो जाता है, तो आपको पहले से ही फंगीसाइड को ऐड करना चाहिए। अगर आपको प्लांट्स में फंगी, जैसे कई बार होता है फंगल का अटैक इस प्लांट में हो जाता है, तो आपको प्लांट में स्प्रे भी करना चाहिए फंगीसाइड का। और उसके बाद जैसे जैसे ग्रोथ होती है तो ये नीचे से जो है ये थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने लगता है इसकी ग्रोथ ऊपर की साइड। और आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि आपको कभी भी क्रिसमस ट्री को ऊपर से, जैसे होते हैं ना हम पिंचिंग कर देते हैं ताकि साइड से ब्रांचेस आ जाए, तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल भी अवॉइड करना है, क्योंकि फिर इसकी शेप जो है अच्छी नहीं रहती। क्योंकि ये एक अच्छा सा ही हेल्दी प्लांट, आपको इसको अच्छे से ही रखना है, तो ऐसे ही इसको अच्छे से ग्रो होने दीजिए। आप अगर उसे ऊपर से पिंचिंग कर देंगे, कटिंग कर देंगे, हार्ड प्रूनिंग कर देंगे, तो ये प्लांट उतना अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। और इसकी जो लाइफ लाइन है कम से कम 100 से 150 साल तक की होती है, जो कि बहुत अच्छे से ये ग्रो करता है। बस इसकी आपको सॉइल का ध्यान रखना है। और ये जो है ये प्लांट ठंडे मौसम वाला प्लांट है, जैसे कि आपको इसको शेड वाले एरिया में ही रखना है। बस इसको रोशनी मिलनी चाहिए, धूप नहीं मिलनी चाहिए इसको। अगर आप तेज़ धूप में देखेंगे तो ये प्लांट ख़राब होता है, इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपको इसे बिल्कुल भी धूप वाले एरिया में नहीं रखना है, सिर्फ इसको रोशनी वाली जगह पे रखना है। अगर इसको रोशनी नहीं मिलती तब भी इसे परेशानी होती है इस प्लांट को, तो इसको आपको बस रोशनी वाली जगह पे रखना है, शेड वाले एरिया में रखना है। और बाकी जो इसका डोरमेंसी पीरियड होता है वो होता है विंटर का। क्रिसमस ट्री का डोरमेंसी पीरियड होता है विंटर का, जिसमें इसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। पर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जैसे ही समर्स आते हैं फिर से इसकी ग्रोथ फिर से शुरू हो जाती है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना। फरवरी मार्च में इसकी ग्रोथ फिर से आपको देखने को मिल जाएगी। आपको कभी भी इसकी पिंचिंग ऐसे कट करके नहीं करना, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। नहीं तो इसकी जो अच्छी सी जो ग्रोथ है, फिर आपको देखो ऐसे करके साइड ब्रांचेस मिलेगी, जिससे ये प्लांट देखने को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जैसे इसमें आपको फंगल का अटैक नज़र आए तो आप फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। और मिट्टी, जैसे कि मैंने आपको बता दी है, इसमें हमेशा कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए प्लांट में। ओवर वाटरिंग से भी प्लांट ख़राब होते हैं। जब आपको मिट्टी एकदम ड्राई नज़र आए
तभी आपको पानी देना है और शेड वाली जगह पे ही रखना है, तेज़ धूप से इसे बचाना है। बस इतनी सी इसकी केयर होती है, ड्राई मिट्टी हो तभी पानी देना है। कभी भी इसमें पानी रुका नहीं रहना चाहिए, हमेशा जो ऐसी मिट्टी हो जैसे कि मैंने आपको बताया 30% सैड ज़रूर ऐड करना, तभी ये अच्छे से ग्रो करता है। बस इतनी सी ही इसकी केयर है। और जो ये प्लांट होता है थोड़ा सा ये कांटा टाइप भी होता है, अब जैसे ये देख सकते हैं कुछ इस टाइप का ये प्लांट होता है, थोड़ा ऐसे लगता भी है ये, और काफ़ी अच्छा प्लांट होता है। मोस्टली ये सभी घरों में आपको देखने को मिल जाता है, सबके घर पे ही ये प्लांट होता है, जो कि डेकोरेशन भी अगर हम करते हैं क्रिसमस के टाइम पर तो भी बहुत ये सुंदर लगता है। बस इतनी सी इसकी केयर है। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।